हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या हमें दी है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसकी? जो शंकु की त्रिज्या है ऊंचाई के बराबर है, वो भी हमें आंसर जो बताना है इस ठोस का पाई के पदों में बताना है। पाई का मान यहाँ नहीं रखेंगे, ना 22/7 रखेंगे और ना 3.14 रखेंगे। आओ बच्चों क्वेश्चन में। ये बच्चों हमारा डायग्राम रहा, इस पे बताया जा रहा है कि जो ये त्रिज्या है ये हमारी वो 1 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है इस शंकु के ऊंचाई के बराबर है। ये शंकु की ऊंचाई है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। ये भी ऊंचाई है, तो ये भी 1 ही सेंटीमीटर होगी। इस पूरे ठोस का हमें क्या बताना है? आयतन बताना है कितना होगा। अगर बच्चों हम शंकु का आयतन निकाल लें और इस अर्धगोले का दोनों निकाल के प्लस कर दें तो इस पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो आओ देखते हैं बच्चों क्या क्या गिवन है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है शंकु, एक क्वेश्चन नंबर है डाल लीजिए 1। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको मान लेते हैं h बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। फिर दिया है शंकु, शंकु की त्रिज्या दी है, शंकु की त्रिज्या लिख लेते हैं, वो क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और क्या दिया? अर्धगोले की भी त्रिज्या यही होगी, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ये हमें ये भी पता लग गई। अब हमें निकालना है इस संपूर्ण ठोस का आयतन, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिख लीजिए संपूर्ण ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। अब दोनों को क्या करना है? हमें प्लस कर देना है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h, और अर्धगोले का 2/3 πr³ होता है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब इसको हम लोग करेंगे, थोड़ा वैल्यू पुट कर देते हैं या कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पाई की जगह हमें रखना नहीं कुछ है, आर की जगह 1 रखना है और एच की जगह भी 1। 2/3 लिख दिया, पाई की जगह पाई ही लिखेंगे और आर की जगह वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है, तो 1 लिखेंगे और 1 से 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 1 ही आएगा। उसी तरह इसमें 2/3 π, अब 1 का क्यूब क्या होता है? 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये π/3 आएगा, 1 1 जा 1 होता है, पाई को करेंगे तो पाई। उसी प्रकार इसमें 2π को 1 से किया तो 2π/3। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 3 हो जाएगा, पाई प्लस 2π, क्या आ जाएगा हमारा? 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया हमारा? पाई।
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि बच्चों आयतन है, आयतन की यूनिट क्यूब में होती है, वो लिख लेंगे तो इसका आंसर आ गया हमारा पाई, यही होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। हाँ, एक बार और देख लीजिए डायग्राम। ये बच्चों हमारा क्या था, अर्धगोला था, उसके ऊपर एक शंकु है, शंकु की रेडियस हमें दी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो रेडियस है वो शंकु के ऊंचाई के बराबर है, और इस संपूर्ण ठोस का आयतन निकालना था। तो हमने शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों का निकाल के जोड़ दिया और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन इजी था, उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। थैंक यू, नोट इट डाउन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।